नगर परिषद कार्यालय में मनाया गया होली मिलन समारोह। मोकामा नगर परिषद के सभागार भवन में आज होली मिलन समारोह मनाया गया। समारोह कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मोकामा आरपीएफ इंस्पेक्टर हरिकेश मीना एवं मोकामा थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर सभापति नीलेश कुमार माधव, उप सभापति नीतू देवी सहित दर्जनों वार्ड पार्षद व समाज सेवी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे की गालों पर गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह का आनंद लिया और भाईचारे का परिचय दिया। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार को पूरे मोकामा क्षेत्र का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया ताकि होली और शबे बारात को शांतिपूर्ण तरीके से शहर में मनाया जा सके। कार्यपालक महोदय, नगर परिषद के सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, गणमान्य व्यक्ति एवं वार्ड पार्षद एवं गणमान्य जनता, सभी को होली की शुभकामना। होली में मंत्र यही मेरा एक उद्देश्य है, कार्य का योजना तो चलते रहेगा, लंबा पीरियड है। आज का दिन कम से कम कार्य को छोड़कर अन्य विशेष आज इंजॉय का दिन है। आज मेरा एक उद्देश्य है, कानून के दायरे में रहना चाहिए। आप लोग जो भी हैं, वार्ड पार्षद हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, और आपको पता होगा इस बार हमारे मजिस्ट्रेट साहब आपके कार्यपालक महोदय ही हैं इस थाना क्षेत्र का, इसलिए हम जरूर बोलेंगे। हम कार्यपालक महोदय तो घूमेंगे ही आपके क्षेत्र में, लेकिन शांति से होना चाहिए। कहीं मान लीजिए हुड़दंग नहीं हो, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम दिखे तो एक बार हमको मैसेज कर दीजिए, और बिना वर्दी का सिपाही आप लोग हमारा है ही, एक बार थोड़ा कॉपरेट कर देना है हर जगह। बस यही हम शुभकामना के साथ आप लोग को होली की परिषद अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी वार्ड पार्षद और सम्मानित नागरिक, मुझे आपके साथ यहाँ आकर अच्छा लगा। और आपके अभी बीच में हमारे वार्ड पार्षद साहब ने बोला था कि थोड़ा सा मुरम्मत करें पकड़ने में, हमारे लिए अभी दो ही समस्याएं ज़्यादा है जो आप देखते होंगे, एक तो चैनपलिंग और एक ट्रेन पर स्टोन फेंटिंग। एक बार देखते हुए सबसे ट्रेन पर बच्चे लोग उत्तर फेंक देते हैं जिससे शीशा फूट जाता है। आए दिन ये समस्याएँ नाना प्रतिविधन में हो रही है, किसी न किसी ट्रेन का एसी का शीशा कहीं ना कहीं फूटता और उसकी रिपोर्ट हो रही है। आप कभी ट्रेन में नीचे रहते हो या कभी आप ट्रेन के अंदर भी सफर करते हो तो आपको लगता होगा कि किसी ने पत्थर फेंका और शीशा टूट गया, कई बार वो अंदर में आ जाता है, चोट भी लग जाती है। तो हम यही क्यों है कि हम सब में कार्रवाई करते हैं और चैन पुलिंग में सबसे ज़्यादा कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन का हम देखें यहाँ मोकामा में लगभग 59 ट्रेन यहाँ रुकती है और 75 के करीब ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं, उनमें कुछ वीकली हैं और कुछ डेली ट्रेनें हैं। तो सर आपके यहाँ पूरी 60 ट्रेन रुकती हैं, तो आप उन ट्रेनों में सफर मत कीजिए जो यहाँ नहीं रुकती। होली के इस शुभ अवसर पर साथ ही साथ शबे बारात जो 7 और 8 तारीख को मनाया जाने वाला है, उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपनी अपनी मंतव्य को रखा, हम लोगों ने सुना, उस पर कार्यान्वयन करने की जरूरत है, उस पर किया भी जाएगा। मुख्य रूप से जैसा कि अभी अभी इंस्पेक्टर साहब भी गए चले गए, कुछ उनका एक कुछ काम आ गया था, तो जो जानकारी आप लोगों को भी प्राप्त हुई है कि एरिया वाइज एज ए मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के रूप में हमारी ही प्रतिनियुक्ति हुई है पूरे शहर के लिए, साथ में इंस्पेक्टर साहब रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये दोनों पर होली तथा शबे बारात लगभग एक साथ ही मनाया जाने वाला है, तो आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले इसको जो है हम लोग बहुत ही शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। कहीं भी अगर कुछ किसी तरह की कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अगर कुछ जानकारी प्राप्त होती है या कुछ भी उस तरह की कोई समस्या होती है, तो सबसे पहले उसे सामाजिक बना देने के लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। कहने का तत्पर्य आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो इन्फॉर्म्ड रखें, वेल इन्फॉर्म्ड इज हाफ द वर्क डन। अगर पूर्ण सूचना हो और सही तरीके से कोई काम हो तो आप बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रति अग्रसर हो सकते हैं।
तो ये चीजें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप लोगों से मेरा अनुरोध था। बाकी इस साल का माना जाता है कि ये पहला पर्व के रूप में, होली के रूप में हम लोग सब मनाते हैं, और यह बेहतर कार्य संस्कृति का परिचायक है कि आज हम लोग सभी एक मंच पर बहुत लोगों का अनुरोध था, और एक बेहतर संस्कृति का परिचायक है कि आज हम लोग सभी एक दूसरे के साथ इन चीजों पर मंच साझा कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को सुनने, साथ ही साथ जो बेहतर कार्यान्वयन किया जा सके जनहित में उस पर है। हमारे मुख्य अतिथि मीना साहब, मुकेश जी हमारे, सुदीप साहब, उपाध्यक्ष महोदय नीतू जी, चितेंद्र बाबू हमारे गार्जियन, और हमारे पार्षद महोदय उपस्थित, नगर परिषद के सारे हमारे कर्मी परिवार जितने भी उपस्थित हैं आगंतुक, सभी को होली की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। होली रंगों का पर्व है, उल्लास का पर्व है। जीवन में खट्टी मट्टी जो याद घटना घटती है उसको भुला के हम लोग का नया समय लाती है, अच्छा वातावरण कायम करती है। और आज का दिन आज यहाँ उपस्थित इस मंच पर आप सभी महानुभाव को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह आप लोगों का जीवन भी खुशियों से भरा रहे। यहाँ विकास, अभी विकास और पानी की बातें चली हैं तो मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। जहाँ तक बात पानी की है तो हम लोगों की पुरजोर कोशिश है कि नगर परिषद के 2800 वार्ड में पानी की किल्लत बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल दूर हो। और मेरा मानना है कि आप लोग जहाँ, हम जहाँ भी हैं अपना 100% दें। और मैं ये मान